मंत्री धर्मसोत नूं जमानत मिल गई है। जी हां, साधु सिंह धर्मसोत नूं जमानत मिल गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दिती है। दिलजीत गिलजिया नूं भी जमानत मिली है। जंगलात घोटाले के केस के दोवें गिरफ्तार ने, साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया का भतीजा दिलजीत। दिलजीत गिलजिया ते साधु सिंह धर्मसोत दोहां नूं अज जमानत मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो जमानत के हुक्म जिहड़े हैगे उह दित्ते गए ने। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बेल की अर्जी जिहड़ा हैगा उह लाई गई सी, जमानत की अर्जी लाई गई सी, और उस अर्जी से जिहड़ी सुनवाई सी उह सुनवाई हुई, और उस हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत दे दी जाए। बेल एप्लीकेशन जी है वो एक्सेप्ट कर ली गई, यानी जमानत दे दी गई। उमेश शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं फोनलाइन से। उमेश, डिटेल्ड ऑर्डर की असं गल कर रहे थे कि डिटेल्ड ऑर्डर आ गए ने या हजे वक्त लगना? देखो गगन, डिटेल ऑर्डर हले आने ने, हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर आ जाता है तो अपलोड होंगे ने, और शाम तक या कल तक। रही गल है कि जमानत ही, क्योंकि जो फैसला जो मैं पहला भी जिक्र किया, फैसला सुरक्षित रखा गया और सुनाया गया कि वड्डी राहत साधु सिंह धर्मसोत लई ते दलजीत सिंह गिल जे साबका मंत्री जी उन्होंने भतीजे लई। और इस हिसाब नाल मामला जदों सामने आया सीगा, बड़ा तुहानू याद है कि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला रहा, चर्चा का विषय रहा, और गिरफ्तारी पाई गई, जेल च बंद ने, और तमाम उस तो बाद भारत भूषण आशु का मामला भी कोर्ट में आया सीगा। हालांकि भारत भूषण आशु ने अपनी जी पटीशन थी वो वापस ले ली थी, उस तो बाद वो विजिलेंस ने उन्होंने गिरफ्तार किया, उन्होंने भी थले लुधियाना कोर्ट अर्जी पाई हुई है। तो कुल मिला के एक हाई प्रोफाइल कांग्रेस साबका मंत्री जेड़े उन्होंने पर किसी ना किसी घेरा शिकंजा करता रहा, तो हूँ राहत मिली है साधु सिंह धर्मसोत को। हूँ देखना होएगा जो बाहर आने के की कहें, और ऑर्डर की कहता है, शाम तक ऑर्डर आता है या कल तक आता है, जिन जो भी आता है ऑर्डर में की लिखा गया, अदालत में की लग्या, साधु सिंह धर्मसोत के वकीलों की दलील किन्नी क सूट की, सरकार का जो विरोध थोड़ा कितने तक की टिप्पणियां रहनगियां, वो देखने लायक होएगा कोर्ट का डिटेल ऑर्डर, उसकी असं वेट कर रहे हैं जी। बिल्कुल उमेश, थोड़े मैं गल जारी रखांगा, पर इस वेले सनी आलूवाले साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आगू। आलूवाले साहब, बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। साधु सिंह धर्मसोत को जमानत दी गई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वालों। धर्मसोत जी लई तां इह राहत की गल हो सकती है, सरकार दे लई इह सवाल जिहड़ा हैगा अक्सर अजिहे मौके ते पुछिया जांदा है कि सरकार अपना पक्ष रखण दे विच किते लूपहोल रह गया कोई या किते कोई कमी रह गई? सारिआं नूं सति श्री अकाल जी। सब तो पहली गल है, उन्हां नूं क्लीन चिट नहीं मिली, उन्होंने जमानत मिली है। जे आप गल करते हैं कि इन्ना वड्डा स्कैम करके ये बंदे नूं क्लीन चिट नहीं मिली, सरकार पूरे जोरां शोरां नाल लगी हुई है और किसी भी पास्यों स्पेयर नहीं किया जाऊगा। जमानत मिली है, उन्हां दा राइट सीगा, उन्हां नूं जमानत मिली है, कोर्ट ने उन्हां नूं अगर रिलीफ दिता है, कोर्ट ने कोई चीज सोच के, पर कोर्ट ने इस ऑर्डर आने तो बाद ही वैसे पता लगेगा, पर वो आउट ऑफ पंजाब नहीं जा सकते, आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकते, एफ जी गल्ला भी उहदे बारे सानूं पता लगियां हुणे ही। और जिहड़ियां गल्लां ने कि भी उहनूं क्लीन चिट या मतलब उन्होंने जिवें कहंदे पए है कि क्लीयर हो गया जी, इदां हो गया, सरकार वल्लों कोई ढिल नहीं वरती जा रही, एडवोकेट जनरल ऑफिस लग्या होया है, और इस चीज़ नूं परसनली भगवंत सिंह मान जी खुद मोनीटर कर रहे, क्योंकि उन्हां दा इक्को ही नारा हैगा कि करप्शन नूं आपां पंजाब तों खत्म कर दांगे, और उहदे तहत ही सारी कार्रवाइयां चलदियां पईयां। बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गल करन लई सनी आलूवाले, सनी आलूवाले साहब आम आदमी पार्टी दे आगू साडे नाल गल कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक क्लीन चिट नहीं हैगी, जमानत मिली है साधु सिंह धर्मसोत नूं, पर एक क्लीन चिट नहीं हैगी, यह जिहड़ा मामला हैगा इस दे विच उन्होंने कहा कि जिहड़ी उन्होंने जानकारी मिल पा रही है कि हजे वो बाहर नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, इस तरह की कई रिस्ट्रिक्शन भी ने। हालांकि डिटेल ऑर्डर जिहड़ा आएगा, डिटेल ऑर्डर आने तो बाद ही पता लगेगा कि ग्राउंड की बनया, बेल का ग्राउंड जिहड़ा हैगा वह बनया की है, जमानत का आधार जिहड़ा हैगा किस चीज़ नूं बनाया गया, कि सरकार की जी जांच चल रही थी उस कोई लूपहोल सी या साधु सिंह धर्मसोत अपना पक्ष जिहड़ा हैगा मजबूती नाल रखण दे विच कामयाब होए ने जमानत दे लई, इह अपने आप विच वेखण वाली गल। उधर मोहाली हादसे के मामले दे विच केस दर्ज किया गया, ट्रेड फेयर के प्रबंधकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है, धारा 323 341 337 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रबंधकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हादसे के बाद प्रबंधक फरार ने, कल रात 50 फुट की ऊंचाई तो झूला डिग्गिया सी, हादसे के विच बच्चों सने 20 लोग जिहड़ा हैगा वो जख्मी हुए सन, ते घटना तो बाद प्रबंधक फरार चल रहे ने। 50 फुट की ऊंचाई तो यह झूला जिहड़ा हैगा बीती रात डिग्गिया सी, 20 दे करीब लोग जिहड़े जख्मी होए सीगे। न्यूज 18 ते लगातार असीं इस खबर नूं दिखाया सीगा, जिस तरीके हादसा होया और जिस तरीके इस हादसे के बाद
की हालात ने। मेले के मेरे सहयोगी मनोज भी पहुंचे थे, अज भी अस थोनों तस्वीर दिखाई, सवेर वे भी वह तस्वीर दिखाई, किस तरीके एक केबल टुटन के नाल यह स्थिति बनी। यह झूला जोड़ा है वह डिग के थले आ जाता है, इन्नी ऊंचाई तो जोड़ा है थले डिगद, उसके भी के करीब जोड़ा है लोग जख्मी होंगे ने। हूँ ट्रेड फेयर के प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, प्रबंधकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। हादसे के बाद तो प्रबंधक जोड़े है वह फरार ने। तो हादसे तो बाद प्रबंधक फरार हो गए हैं, पर उन्होंने खिलाफ मामला जोड़ा है वह दर्ज कर लिया गया है। वक् वक् धाराव के तहत जोड़ा है मामला दर्ज किया गया, धारा 323, 341 से 337 के तहत मामला दर्ज किया गया, छापेमारी जी है की जा रही है। कि जिहड़ी तस्वीरां सामने आई हैं, असीं उत्थे ही मौजूद है जिहड़े झूले च यह सारा हादसा वापरिया है, असीं उत्थे ही मौजूद हाँ। मोहाली के फेज 7 जिहड़ा मेला ग्राउंड है, काफ़ी दिनों तो चल रहा है, तो एक्सटेंड भी किया गया सीगा 11 तरीक तक, लेकिन देर शाम अचानक ये जिहड़ा हादसा होया है, सारिया के रोंगटे खड़ गए। जिदा ये तस्वीर आई, जिदे इत्थे लोग जिहड़े मौजूद सीगे, बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि लापरवाही कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही हो सकती है ये, क्योंकि जिस तरह की चीज़ा, जिस तरह की तस्वीर ये रात को कैप्चर हुई है, वीडियो जी बनी है, ये जी हूँ समझ की असी कोशिश की है कि जी वायर है ये टुटी है, यानी कि ये सारा जो झूला है ये इस तरह की जी वायर है, 3-4 जी वायरस तो ये सारा कंट्रोल होंगे, ये वायर टुटी तो उस तो बाद ये सारा जोड़ा झूला है उपर तो सीधा नीचे जोड़ा डिग पाया, जिद बच्चे से छोटे छोटे तो जी लेडीज़ वो सी मौजूद, तो उस तो बाद इतने जोड़ा है वो काफ़ी जिदा तस्वीर भी तुम वेखो काफ़ी इतने जोड़ा है सनसनी फैल गई, इतने लोग जोड़े है वो इतने भजे, जे भी इतने इंजर्ड हुए थे उन्होंने हॉस्पिटल लैके जाया गया, और उस तो बाद किसी जोड़े परिवारिक मैंबर ने किसी 6 फेज हस्पताल, किसी 40, किसी 32, किसी 16, इदा इदा जोड़े है लोग जोड़े है लैके गए। ये तस्वीर ने तुम वेखो, अभी समझाने की कोशिश करते हैं गगन कि होया की सी, क्योंकि हुण तक की जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि ये हुण टैक्नीकल हैगी या लापरवाही है, क्योंकि ये जिहड़े झूले ने ये पूरा उपर तक जाते हैं घूमते हो, जिदा तुम तस्वीर भी वेख सकते हो, लेकिन हुण जिहड़ी ये हुण जिहड़ी चीज़ा आई है, हुण ये जिहड़ी भी ये टैक्नीकल या लापरवाही कह सकते हैं कि लापरवाही जिहड़ी है वह सामने आई है, उन्होंने लैके हुण पूरा इनवैसटीगेशन की जा रही है, तो उन्होंने जिहड़े बयान है वह भी दिते जा रहे, जिहड़े बयान है जिहड़े लोग इंजर्ड हुए थे उन्होंने जिहड़े बयान है वह भी लिते जा रहे गगन, ये क्योंकि लापरवाही, ये चप्पलां भी इदा ही पई है, तस्वीर तुहानूं दुबारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जिहड़े बच्चे आ होर लेडीज़ इत्थे कर रहे थे उन्होंने चप्पलां वह सारी इत्थे ही पई है अजे तक, क्योंकि इत्थों जिहड़े प्रबंधक सीगे जिहदी असीं पहलां भी जानकारी दित्ती सी उत्थों भज गए, इन्नी तेज़ प्रैशर होया, इन्नी तेज़ जिहड़े झूले हैं वह गिरे कि इन्हों के ये दिखो ये सारी ये भी टुट गए, ये जी पूरी जी सीट्स ने इन दे भी टुट गए, क्योंकि बहुत तेज़ी नाल एकदम थले नू गिरे। हालांकि ये बैल्ट सिर्फ नाम मात्र है, बैल्ट इत्थे लगती नहीं है, ये जस्ट एक बैल्ट लगती नहीं है, ये जस्ट एक जिहड़े है कह सकते हैं कि सिर्फ बैल्टां दे नाते सिर्फ जस्ट इन्हां ने रख्या होया है, लेकिन कह सकते हैं कि इन्नी वड्डी जिहड़ी लापरवाही है, इस तरह की जिहड़ी चीज़ा है वह जरूर वेखण नू मिल रही है कि आखिर इसकी मेनटेनेंस नू लैके या फिर जिहड़ी भी ये तैयार की गई है इन्हें इन्ना वड्डा रिस्क लेता क्यों गया। ये हुण प्रशासन के जिहड़े अधिकारी है उन्हां नाल भी असीं गलबात की है, तो उन्हां दा साफ तौर पर कहना कि पूरी इहदे विच इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कंट्रोल रूम जिहड़ा हैगा, कंट्रोल सिस्टम जिहड़ा बनाया गया है, ये बनाया गया है, ये कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, ये कंट्रोल सिस्टम है, ये तस्वीर तुम वेखो, इतों इतें भी भज गए हो, ये सारी वाय चाबियां भी इतने लगी हुई है, ये सारी जी है कंट्रोल सिस्टम जो है उपर लैके जाना थले लैके थले हैगी है, ये उपर न है, ये सारी हूँ तक दी ऑन हैगी है, वायर वूर लगी हुई है पूरी ऑन है हजे तक, इतों सारे कंट्रोल सिस्टम होंगे। मोहाली च देर शाम होए हादसे नू लैके हुण जिन्हें भी जिहड़े इंजर्ड सीगे उन्हां नू हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है, मोहाली दे 6 फेस हॉस्पिटल जिहड़ा मोहाली दे मेले विच जिहड़ा झूला डिग्गिया उहदे विच हुण जिहड़े भी इंजर्ड होए मोहाली दे 6 फेस असीं खड़े हां, ते साडे नाल जिहड़े सीनियर डॉक्टर्स ने उह वी साडे नाल मौजूद ने, डॉक्टर परमिंदर जी ने, उन्हां नाल असीं गलबात करांगे क्योंकि एमरजेंसी उन्हां नू लैके आया गया सीगा, तो उस तो बाद जिहड़े भी सीनियर डॉक्टर्स है वो मौके पर पहुंचे सी। डॉक्टर साहब इतने किन्ने मरीज आए थे? इतने साढ़े को 4 पेशेंट आए थे जी। देखो उन्होंने इंजरी पहले तो जिहड़ा हितेश सी वह तो पहले एक्सरे करवाया से, एक्सरे भी अब तक क्लीयर नहीं हो रही थी इंजरी स्पाइन की, तो फिर MRI फ्रैक्चर आ गया L3 वर्टीब्रे का,
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਬੋਨੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਫਟ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਪਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜੰਪ ਕੀਤੇ ਉਛਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਇਆ ਚੈਸਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਡ 'ਚ ਬੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕਰ ਚੈਸਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਜਰ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਿੰਟਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਔਨ ਕਾਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਔਰਥੋ ਦੇ ਔਨ ਕਾਲ ਡਾਕਟਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਔਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇਜ਼ਲ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨੇਜ਼ਲ ਇੰਜਰੀ ENT ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਦਣ ਰਾਤ ਸਿਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਪਲਿੰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਫੇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਡਲਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ